नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीणा, लेक्चरर इंजीनियरिंग राजेश पटेल सर। आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रैक्टिकल एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन उसका मैपिंग और उसका कंस्ट्रक्शन और मॉड्यूलेशन देखेंगे। ये हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए एक तो सीआरओ जी है हमें इसके लिए और एक ट्रेनर किट चाहिए। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास ये जो किट है इसके अंदर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी है, पल्स एम्पलीट्यूड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटर भी है और साथ में बीट मॉड्यूलेशन का भी है। इसके साथ ही इसके साथ हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए हमें दो तरह के सिग्नल्स की आवश्यकता है। एक तो कैरियर पल्स होगी, वो हमारे पास यहाँ 8 किलोहर्ट्ज़, 8 किलोहर्ट्ज़, 64 किलोहर्ट्ज़ और 32 किलोहर्ट्ज़ के यहाँ आउटपुट्स हमारे पास प्रेजेंट है। एम्पलीट्यूड को वेरी करने के लिए एम्पलीट्यूड का ये नॉब है। उसके साथ ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल होगा वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। साथ में इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। ये सेलेक्ट स्विच है, इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस सीआरओ को टेस्ट करेंगे, सीआरओ की वर्किंग। तो सीआरओ की वर्किंग के लिए सबसे पहले हम सीआरओ को ऑन करेंगे। यह हमारे पास फंक्शन जनरेटर के साथ है। हम फंक्शन जनरेटर पर 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल देखेंगे और ये देखते हैं कि ये हमारे इस पर ये हमारे पास लगभग 9.6 किलोहर्ट्ज़ का हमने साइन वेव फंक्शन जनरेटर हमने इस पर हमारे सीआरओ को दिया है। हम देख सकते हैं कि 9.6 किलोहर्ट्ज़ वहाँ टी वी टाइम इस पर आ रहा है और ये लगभग 1 सेकेंड की देखती है। लगभग ये हमारे जो सिग्नल है क्योंकि 2 सेकेंड पे 0.19 सेकेंड हो रहा है तो लगभग 1 किलोहर्ट्ज़ शो कर। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें सीआरओ पर हम देखिए सीआरओ टॉप कनेक्ट किया चैनल फर्स्ट पर। इसको हम सबसे पहले सर्किट कंप्लीट करते हैं। जब बेसिक है रिक्वायरमेंट हो हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करेंगे तो एक इसके जो पल्स इनपुट है इसके अंदर तो हम 8 किलोहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी कैरियर फ्रिक्वेंसी देंगे और ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हम यहाँ से देंगे। उसके अलावा आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं। कन्वेंशन जो बैक कलर हम ग्राउंड के लिए मानते हैं तो इसको हमने ग्राउंड का कनेक्ट कर दिया। हमने यहाँ 8 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का एरिया लिया है और एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल लिया है। मैक्सिमम हम इसका मिडिल के अंदर लेते हैं एम्पलीट्यूड लेवल 1 किलोहर्ट्ज़ के लिए हम फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे। 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करके हम इसका ऑन कर देंगे। आप देख सकते हैं इस पर हमने पल्स सबसे पहले इससे पहले हम आपको इसका ऑडियो सिग्नल टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारे पास ये तो केरियर सिग्नल है, एक पल्स है केरियर सिग्नल 8 किलोहर्ट्ज़ की। 8 किलोहर्ट्ज़ पर हमें इसको पल्स को सेट किया हुआ है। उसके बाद 16 पे देखिए, 16 पर हमारे पास 64 एंड 32। 8 किलोहर्ट्ज़ पर ये इनपुट किया। साथ ही आप दूसरा देख लेते हैं कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी क्या है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमारे पास देखिए साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो अब इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे ऑडियो फ्रिक्वेंसी का। यहाँ से देख लिया हमने और 8 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी देखिए हमारे पास ये हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करें, हम इसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज करके दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ ये इसकी जो विड्थ है विड्थ हमारी डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो विड्थ चेंज होता है, विड्थ चेंज हो रही है। हमारा जो एम्पलीट्यूड है
पल्स का, उस पल्स के एम्पलीट्यूड यानी कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड हमारे इनपुट सिग्नल से चेंज हो रहा है। हमारे इनपुट पे एयर सिग्नल है उससे इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, जो विड्थ है वो चेंज हो रही है। तो इसी टाइप के मॉड्यूलेशन को हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसके अंदर दो जो एक तो कैरियर होगा वो तो होगा पल्स और पल्स विड्थ होगा, और जो जो मैसेज सिग्नल है वो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। जब ये दोनों मिक्स किए जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और इस तरह से हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन से सिग्नल जो आउटपुट आएगा वो हमारा हमने सीआर को चेक किया है ये आएगा। अब इसका डी मॉड्यूलेशन अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से इस ग्राउंड को हम यहाँ से हटा यहाँ ग्राउंड पर लेंगे, इसका आउटपुट यहाँ से आएगा, और इस पर जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का आउटपुट हम यहाँ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कर देंगे। ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दिया था वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमें आउटपुट करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि हम एक ऑडियो सिग्नल को मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करें और फिर उसको डीमॉड्यूलेट करके वापस से वो ऑडियो सिग्नल एक्सट्रैक्ट करें। जो कैरियर था इसके अंदर पल्स का, वो कैरियर जो हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास फाइनली एक मैसेज सिग्नल आया ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो हमने डीमॉड्यूलेटर पर अचीव कर लिया है। तो ये सारी जो थ्योरी थी ये हमारी थी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। नेक्स्ट टाइम पे हम पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन करेंगे। आई होप आप ये समझ रहे हैं। इसके लिए बेसिकली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, एक तो फंक्शन सी आर ओ की, फंक्शन यूनिट को चेक करने के लिए, एक सी आर ओ बॉक्स, उस कनेक्टिंग लीड्स, और ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करने के लिए।